हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के सामने पूरे पेट का मोटापा कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज लेकर आई हूं, जिसे आपको अपने घर पे ही करना। और अगर आप रोज 5-10 मिनट इस एक्सरसाइज को करते हो ना, तो जो इससे आपके पेट का मोटापा है ना, वो जल्दी से जल्दी खत्म होगा। कितना का पेट होता है ना, ऊपर की ओर बहुत ज्यादा आ जाता है, किसी का नीचे की ओर लटक जाता है, तो ये सब बहुत जल्दी कम होगा। और आप किसी भी एक्सरसाइज को करते हो ना, चाहे वो पेट का हो, पैर का हो, तो जो भी एक्सरसाइज आप करते हो ना, उससे आपकी कैलोरी बहुत जल्दी बर्न होती है और आपका जो शरीर का मोटापा है वो भी जल्दी से जल्दी खत्म होता है। तो चलिए हम लोग आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और अपने पूरे अपर बैली फैट, लोअर बैली फैट को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। उसके लिए आपको इस तरह से आराम से खड़ा हो जाना है, हाथों को इस तरह बिल्कुल ऊपर सीधा, शरीर को बिल्कुल सीधा इस तरह टर्न कर रखना है, सांसें भरना है, सांसें छोड़ते हुए इस तरीके से आपको आना है। बस इतना घुटनों को मोड़ना है, हाथों को यहीं तक लेकर आना है, घुटनों के पास हाथों को ऊपर करेंगे, फिर इस तरह से घुटनों के पास, और आपको पूरा नीचे नहीं झुकना है, बस इतना ही आना है। जैसे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह करना, फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स और 10-10 का 3 सेट और कम से कम 30 बार एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको इस तरीके से सीधा खड़ा हो जाना है, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, अपने हाथों को आपस में इस तरह से जोड़ लेना है, हाथों को बिल्कुल ऊपर सीधा, सांसें भरना है, सांसें छोड़ते हुए इस तरह पैर के घुटनों में हाथों को लेके आना है और टच करना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह से आपको 10-10 का 3 सेट और 30 बार करना है। और किसी भी एक्सरसाइज का जो स्टेप होता है ना, उसे 30 से 50 बार जरूर करना चाहिए, तभी उसका असर आपके शरीर पर होता है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 10th बार 15 बार ही बताती हूँ, लेकिन जब आप करोगे तो 30 से 50 बार आपको करना है। सांसें भरना है, सांसें छोड़ते हुए पैरों को जितना हो सके उतना उठाना है, शुरू में धीरे करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके लिए पैरों को इस तरह फैला लेना है, दोनों हाथों को सीधा, एक पैर से दूसरे पैर को टच करेंगे, हाथ एकदम सीधा जाएगा, फिर इस तरीके से जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह से आपको 10-10 का 3 सेट और कम से कम 30 बार करना है। एक्सरसाइज है, उसमें आपको इस तरीके से पैरों को फैलाना है, हाथों से इस तरह टच करना है, फिर हाथों को ऊपर, जैसे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा भी 10-10 का 3 सेट और कम से कम 30 बार करना है, फिर बिल्कुल आराम से। उसके लिए आपको इस तरीके से आ जाना है, पैरों को पीछे और एक एक पैर को इस तरह उठाना है, दौड़ लगानी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह से आपको 30 से 50 बार जरूर करना है। शुरू में धीरे धीरे करें, फिर थोड़ा स्पीड को बढ़ाएं। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको इस तरीके से आ जाना है, अपने सिर को इस तरीके से बिल्कुल नीचे झुका देना है, पैर के पंजे बिल्कुल जमीन से सटे हुए रहेंगे, इस तरह से आपको आना है, फिर अपने सिर को उठा के भुजंगासन इस तरह से आ जाना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह से आपको आके लास्ट में 10 सेकंड, 20 सेकंड के लिए रुक सकते हैं तो रुकना है, फिर बिल्कुल आराम से। उसके लिए आपको इस तरीके से आ जाना है, दोनों पैर इस तरह से, हाथों को बिल्कुल कंधों के बराबर इस तरह रख लेना है, पैरों के घुटनों को इस तरीके से कमर के पास, एक पैर को इस तरह सीधा करना और दूसरे हाथ के उल्टे हाथ के हाथ को सीधा करना है इस तरीके से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह से आपको 10-10 का 3 सेट और कम से कम
30 बार जरूर करना है, फिर बिल्कुल आराम एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको इस तरीके से आ जाना है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जमीन में रख देना है, कमर को बिल्कुल सीधा और पैर के पंजों के उंगलियों पे आ जाना है इस तरीके से, पैर की उंगलियों पे आना, फिर साइड में इस तरीके से अपने कमर को, फिर दूसरी साइड, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरीके से आपको शुरू में सिर्फ 10th बार करना है, फिर 20 बार करना है, फिर धीरे धीरे अपने टाइम को, उसके लिए आपको इस तरीके से लेट जाना है, हाथों को इस तरह ऊपर और इस तरीके से पैरों को उठाना है, हाथों को उठा के अपने पैर के एड़ियों को टच करने का, छूने का कोशिश करना है, जितना पला सकते हैं, यहाँ तक आपका हाथ आता तो यहीं तक लाना है, ऐसे आना है, फिर से पैरों को नीचे, हाथों को सीधा, फिर से जैसे 1, 2, 3 सांसे भरना है, सांसे छोड़ते हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरीके से आपको 10, 10 का 3 से और कम से कम 30 बार करना है, फिर बिल्कुल उसके लिए आपको इस तरीके से आ जाना है और हाथों को बिल्कुल आगे करके सिर को नीचे की ओर झुकाना है, इस तरह से पैर के पंजे वहीं पे रहेंगे, घुटने वहीं पे रहेंगे, हाथ की हथेलियां वहीं पे रहेंगी, यहाँ से आपको सिर को उठाना और इस तरह से ऊपर की ओर आ जाना है, तो इस तरह आपको करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सांसें भरना है, सांसें छोड़ते हुए 7, 8, 9, 10, तो इस तरीके से आपको 10, 10 का 3 से 30 बार कर सकते हैं, आप 20 बार कर सकते हैं, शुरू में आप मेरे साथ साथ भी करके इसका असर अपने शरीर पर देख सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, दोनों पैरों को इस तरीके से रख लेना है, जैसे बिल्कुल इस तरह से अपने सिर को इस तरीके से आप हाथों को रख के भी उठा सकते हैं, अगर आपसे हो सके तो अब इस तरह से सिर को थोड़ा ऊपर ले आए, एक पैर आगे की ओर जाएगा, अगर आपसे नहीं छोड़कर हो रहा तो पकड़ कर भी कर सकते हैं, फिर इस पैर को सीधा करेंगे, बिल्कुल सीधा जाएगा, फिर दूसरे पैर को जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और अगर आप कर सकते हो तो इस तरह छोड़ कर भी कम से कम आप 10, 10 का 3 सेट और 30 बार करें हाथों को छोड़ के, और नहीं हो पाता तो आप पकड़ पकड़ कर भी कर सकते हैं, फिर बिल्कुल आराम एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको इस तरीके से आराम से लेट जाना, पैरों को इस तरह करना है, अपने सिर को जैसे इस तरीके से थोड़ा ऊपर की ओर उठाना है, यहाँ पे पैरों को इतना करना है, हाथों को साइड में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर आप थक जाते 10th बार करके रुके, फिर से 10th बार करें, फिर रुके, फिर से इस तरह करके कम से कम 30 बार तक करें, अब 10th बार करें, फिर सिर को नीचे कर ले, फिर 10th बार करें, तो इस तरह से कम 30 बार। तो दोस्तों अगर आप रोज बस इतना सा एक्सरसाइज कर लेते हो और अपने खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हो ना, तो आपके पेट का जितना भी मोटापा क्यों ना हो वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।